ध्यान से सुनना, मैंने अभी अभी तुम्हें पढ़ा दिया, अगर तुम मुझे ध्यान से सुन रहे हो, मैंने कहा ए नंबर ऑफ बराबर होता है मैनी के, और मैनी का मतलब बहुत सारे यानी सब्जेक्ट और वर्ब प्लूरल। तो आपका जो एग्जामिनर है वो मैनी नहीं यूज करेगा, वो फंसाएगा तुम्हें। एक तो लिखेगा मैनी के पीछे ए, और एक लिखेगा मैनी के आगे। कान खोल के सुनना, रूल याद मत करना, जो तरीका बता रही हूं वो सुनना। मैनी के पीछे ए जब जब लगा है तो आपका सब्जेक्ट जुड़ता है ए से, किससे? ए से। और ए का मतलब क्या है? तो इसलिए सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। रूल मत याद करना, तरीका पकड़ो तरीका। मैनी के पीछे ए है, ए से सब्जेक्ट जोड़ रहे हो, मैनी की वर्थ खत्म, ए के हिसाब से चल रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर। अब यही फंडा नीचे लगाओ, क्या लिखा उसने? ए के बाद मैनी, अब सब्जेक्ट किससे जुड़ रहा है? ए से या मैनी से? मैनी से। और मैनी का मतलब बहुत सारे। तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, और जो बच्चा घोटता है ना, मैनी ए सिंगुलर, ए मैनी प्लूरल, वो भूल जाता है चार दिन बाद कि मैनी ए सिंगुलर था कि ए मैनी सिंगुलर था। कनेक्ट करो, ए का मतलब एक है, एक है तो सिंगुलर चलेगा, और मैनी से जोड़ोगे तो प्लूरल चलेगा। तो बड़े ध्यान से देखना है, अकेला मैनी सब कुछ प्लूरल, ए मैनी सब कुछ प्लूरल, मैनी ए सब कुछ सिंगुलर। समझे कि नहीं समझे? सब समझे? अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है स्क्रीन पे, एम एन, अच्छा मैन का सिंगुलर आएगा ये बोल रहे हो, क्या कारण देना चाहते हो? मैनी के बाद ए है इसलिए, बैठ जाओ। हैव की जगह हैज आएगा, कारण क्या है बेटा? मैनी ए सिंगुलर होता है, बैठो। पड़ोसी, थर्ड क्वेश्चन बेटा, हैज की जगह हैज आएगा, कारण? अच्छा, हैज की जगह हैव आएगा, सब कुछ प्लूरल चलेगा क्योंकि मैनी प्लूरल को दिखाता है, बैठो। फोर्थ क्वेश्चन आप करके दिखा दो, आपका पड़ोसी, हैव की जगह हैज आएगा, कारण बेटा? शाबाश, क्योंकि मैनी के पीछे जुड़ा है भाई, सब सिंगुलर आएगा, बैठो। अनु, लास्ट क्वेश्चन, बाकी सब ठीक है? वुड जो होता है ना वो मॉडल है, सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें मैन को सिंगुलर करना है, एम ए एन।